के मेन चौक पे। यहाँ से हम निकलेंगे अन्नी और रामपुर के लिए। हम केलोधार में हैं, तो अभी हम केलोधार से निकल रहे हैं। केलोधार वाला रोड, तो केलोधार से नीचे उतरते हैं हम। ये कई सालों से ऐसा ही है, बहुत ही खराब है रोड की हालत। ये है फॉरेस्ट का गेस्ट हाउस, दिख रहा है पहाड़ी पे अकेला। और नीचे कोटलू बाजार, छोटा जैसा बाजार है ये। इस साइड को हाइड्रो पावर प्लांट लगा हुआ है, एक छोटा सा स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट। और ये हमने बहना खड क्रॉस कर दी, ब्रिज क्रॉस करके हम आ गए दूसरी तरफ। यहाँ से शुरू हो गया आपका कुल्लू जिला, और जो हम पीछे छोड़ पाली तरफ दूसरी तरफ जो है मंडी डिस्ट्रिक्ट रह गई। अब आ गए हैं हम कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, एंटर हो चुके हैं। ये जो आपको यहाँ आगे को सीधा रोड का ये जाता है रामपुर के लिए। यहाँ से हो जाएंगे हम लेफ्ट आने के लिए। अभी जा रहे हैं हम आनी है यहाँ से 15 किलोमीटर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी? तो फाइनली हम शाम को हो गए थे काफ़ी ज़्यादा लेट, तो हम रुक गए थे यहाँ से होटल में। तो अभी हम निकल रहे हैं, हम हैं आनी में, पर हमें अभी थोड़ा पीछे जाना है। तो चलते हैं, अब करते हैं, निकलते हैं यहाँ से, चेकआउट करते हैं होटल से। ओके, अभी आपको दिखाते हैं थोड़ा जैसा आनी शहर का व्यू, जहाँ पे हम रुके थे उस होटल से हम ये वीडियो कैप्चर कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा धूप अच्छी खिली है, धूप मौसम बहुत बढ़िया है सुबह सुबह। और अभी हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी के पास, और हम पहले जाएंगे अपने जहाँ से हम काम करने के लिए जा रहे हैं, फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे शहर। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे आनी से लोरी जोत, और वहाँ से सियांज हम जाएंगे, फिर सीधा निकलेंगे हम कुल्लू के लिए, मतलब टनी के पास। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, देखते हैं और क्या बनता है। ओके, हम रुके थे इस होटल में, तो यहाँ पे आनी में होटल की तो कोई कमी नहीं है। 500 से 1000 और उससे ऊपर भी आपको होटल बढ़िया से बढ़िया मिल जाएंगे यहाँ पे। तो बहुत सारे होटल हैं, आप आ सकते हैं और यहाँ पे रुक सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे सुंदर सुंदर नज़ारे पहाड़ों के। कोफ्ते बना हुआ है बाहर, हमारा खा वो ब्रेकफास्ट बन रहा है। तो ऐसे ढाबों में ना बहुत बढ़िया ब्रेकफास्ट मिलता है। और हमारा परौंठा आ चुका है, चाय आने वाली है, और सूखा परौंठा हमने लिया है। अभी हम करते हैं ब्रेकफास्ट, फिर चलते हैं आगे। भाई दिख रहे हैं साथ में कैमरा में, ये हमारी चाय और ये हमारा अचार और ये हमारा परौंठा, और दूसरा परौंठा आ गया है। अब हमारे दो परौंठे। वैसे देखो छोटे छोटे ढाबों में बहुत ही बढ़िया खाना मिलता है, बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट खाना। थैंक यू, कैसा है? बढ़िया बाजार है यहाँ पे, HDFC बैंक भी है। अब मेरे को लगता लग गया है जाम यहाँ पे, तो करीब करीब बिल्कुल साथ साथ में दुकानें हैं सारी। काफ़ी बड़ी मार्केट है यहाँ पे। तो अभी लग चुका है जाम, ये देखिए
गहने गहने ज्वेलरी शॉप अगर किसी ने है। लग गया है जाम। अभी हम देखो यहाँ पुल पे पहुँचने वाले हैं। तो पिछली बरसात में यहाँ से ना लैंड स्लाइड हुआ था, नाला काफ़ी ज़्यादा तेज आया था, ऊपर से तो काफ़ी दुकानें बह गई थी यहाँ से। अभी आपको दिखाते हैं थोड़ा जैसा, अभी काम लगा हुआ यहाँ ये वाला देखो, यहाँ से ये पॉइंट पूरा बह गया था, ये वाला पॉइंट ये देखो। अभी यहाँ पे डंगे का काम लगा हुआ, ये नाला आया और इसे नाले ने यहाँ से दुकानें पिछली बरसात में बह गई थी इस नाले में। ये वाला नाला है जो पिछली बार वायरल हुई थी, इसकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा फेसबुक पे। यस है बाजार, भाई साइड हो जा थोड़ा सा। ये देखिए राजा रघुवीर सिंह स्टेडियम अन्नी जिला कुल्लू। ये है अन्नी का बस स्टैंड, आप देख रहे हैं अन्नी के बस स्टैंड में हम पहुंच चुके हैं। अन्नी के बस स्टैंड से जा रहे हैं हम, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, रोड छोटा होने की वजह से हर सेकंड में जाम लग रहा है, हर मिनट में जाम लग रहा है, बहुत सारी गाड़ियाँ चली हुई हैं यहाँ पे। तो अभी भाई लोग अपने को निकलना है जलोड़ी पास के लिए, जल्दी से जल्दी हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि मौसम हो रहा है ख़राब और बारिश पड़ने की बन रही है पूरी संभावना। अगर बारिश पड़ गई तो वहाँ पे हो सकता है स्नोफॉल, अगर स्नोफॉल हो गया तो हम फंस जाएंगे वहाँ। रात के फूल लगे हुए हैं पेड़ों पे, तो हम निकालना चाहते हैं, ब्रेक काफ़ी दूर है, हमें नीचे जाना पड़ेगा खड्ड में इसके लिए, तो अभी छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं नजदीक जैसे होंगे ग्रास के फूल तो निकालेंगे। ये चटनी बनती है इसकी ग्रास की, देखो यहाँ पे देखो छोटा सा ग्राट बना हुआ है जो जिसमें आटा वगैरह पीसा जाता है, ग्राट जो अपनी लैंग्वेज में ग्राट ही बोलते हैं, तो ग्राट ही है ये छोटा ग्राट, जैकी ग्राट है ये। अभी तो जैकी फ्रिज अभी फ्रिज पे जाएंगे हम, आ जाओ यहाँ पे खींचेंगे हम कुछ फोटो। ये ग्राट का पूड़ है जिससे आटा पीसते हैं, वो वाला बहुत बड़ा पूड़ है, एक ये रखा हुआ छोटा। तो तीन ग्राट है यहाँ पे, एक तीन ग्राट है यहाँ पे, एक ये हो गया दूसरा है और एक तीसरा, तीन ग्राट एक साथ में दिख रहे हैं। अभी हमें मिल गए हैं काकू भाई, काकू भाई है अपने खास काकू भाई, इनके हैं तीन तीन ग्राट, तीन है कि दो हैं, दो तीसरा किसका है बन देगा यार, मैं से बन देगा। अभी हम पहुँच गए कुफर धार, तो यहाँ से हम निकल रहे हैं आगे की तरफ। अभी खड़े हैं हम कुफरधार में, वहाँ से दिखा रहे हैं आपको अन्नी का नज़ारा, वो नीचे आपको अन्नी दिख रहा है पूरा, अन्नी का बाजार दिख रहा है उस साइड, ऊपर पहाड़ों पे गांव दिख रहे हैं सारे, और इस साइड को भी आपको गांव दिखने को मिल रहा है, ऊपर पहाड़ों पे काफ़ी ऊपर जाके भी गांव बने हुए हैं, और यहाँ पे इस टाइम बहुत बढ़िया हवा चली है, साथ में बारिश के छींटे भी हमारे ऊपर पड़ रहे हैं, तो बारिश तो हो गई है शुरू। अब निकलते हैं हम आगे के लिए, प्रकृति की खूबसूरत नज़ारों से भरा हुआ कुफर धार, आप देख सकते हैं यहाँ की सुंदरता, और लोगों की सुंदरता। जोड़ी जोत है यहाँ से 12 किलोमीटर, तो निकल रहे हैं हम जोड़ी जोत।
यहाँ ऊपर पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल पड़ती है, फिर वो जो आता है उस टाइम के बाद उसका जो पानी, जब गर्मी में निकलता है तो बरसात के मौसम में बारिश की के साथ ही पानी बहुत ज़्यादा यहाँ पर पानी आता है और ये रोड बह जाता है हर बार। तो वहाँ पे देखो कितना बड़ा पत्थर है रोड के बीच में, ये बहुत ही बड़ा पत्थर है। आजकल ये नाला ही सूख गया है, वो देखो आगे बंदे कुछ पाई गाड़ी धो रहे हैं, तब बहुत बड़ा पत्थर देखो बीच नाले में ही है, जो ऊपर से बह के आया हुआ है पानी के साथ है। बहुत लैंड स्लाइड का भी तो अगर पानी बरसात में जाता है तो बह भी जाता है यहाँ से। अभी आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त व्यू दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ से बहुत ही ज़बरदस्त व्यू दिख रहा है पहाड़ों का, और वहाँ पे घर भी दिख रहे हैं पहाड़ की चोटी पे घर, एकदम पहाड़ी एकदम बिल्कुल स्टीप पहाड़ी पे हैं घर बने हुए, ये चार पांच घर हैं। सुंदर, बहुत ही सुंदर नज़ारा आ रहा है यहाँ से इसको देखने का। आपको नीचे का व्यू दिखाते हैं, नीचे धूप खिली है और यहाँ ऊपर पहाड़ों पे बारिश लगी हुई है। ये है वो घर, देख ये है वो गांव जो मैं आपको दिखा रहा था, पूरा पहाड़ के ऊपर ही है ये, नीचे काफी बड़े गांव हैं साथ में ऊपर को इसी पहाड़ पे बहुत सारे गांव हैं। आप अगर जलोड़ी साइड आते हैं तो यहाँ पे रहने के लिए काफी होम स्टे और खाने के लिए काफी अच्छे अच्छे स्टॉल लगे हुए हैं, आप आराम से यहाँ रह सकते हैं और खाना भी आपको बहुत बढ़िया मिल जाएगा यहाँ पे, अच्छा खाना मिल जाएगा सही दाम। स्लाइडिंग पॉइंट है, काफी बड़ा स्लाइडिंग पॉइंट है यहाँ, काफी साल पहले यहाँ से नीचे को बस भी गिरी थी, यहाँ पे बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था तो यहाँ से एक बार बस भी गिरी थी नीचे, जिसमें काफी लोग की डेथ हुई थी। मसनू नाला से हम निकले, जिलोड़ी जोत की चढ़ाई चढ़ रहे हैं, यहाँ से हो गई है स्टार्ट ये चढ़ाई, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कटिंग हुई है रोड की और रोड भी पक्का है, तो बहुत पहले आ रहा था उस पर रोड ही चल रही थी उस टाइम पे, तो अभी है ये चढ़ाई सारी काफ़ी चढ़ाई है। अभी हम 2570 मीटर की हाइट पर पहुँच चुके हैं, तो यहाँ पर देखो यहाँ का व्यू, पहुँच गए हैं जलोड़ी पास में, ये देखिए स्नोफॉल अभी भी यहाँ पे है और काफ़ी ठंड है, मैं तो टीशर्ट में हूँ पर ठंड लग रही है कोई बात नहीं। तो यहाँ पे है माता का मंदिर, अभी यहाँ पे गाड़ी वगैरह मुड़ रही हैं, लोग अपनी गाड़ियों इधर उधर लगा रहे हैं, देख रहे हैं जगह गाड़ी लगाने के लिए, तो हम भी यहीं देखते हैं जगह। जैकेट पहन देते हैं, चारों साइड स्नोफॉल दिख रहा है आपको, तो अपनी गाड़ी वहाँ पे कर दी है मैंने पार्क, वो देखो आप अभी ऊपर टॉप की तरफ दिख दिया स्नोफॉल पे देसी कुंड। हम जलोड़ी जोत के टॉप पे सीओ सार लेक जो है यहाँ से 5 किलोमीटर है, और यहाँ पे जो ऊंचाई है समुद्र तल से 10,280 फुट की ऊंचाई पे हैं, और आपको बताते हैं एयर प्रेशर है यहाँ पे 704 HPA, बहुत ही कम हो गया है, और मीटर में अगर एल्टीट्यूड की बात करें तो मीटर में एल्टीट्यूड है 2964 मीटर। We'll be right back.
तो टाइम हो रहा है बहुत ज़्यादा, अभी हम यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, तो हम सीधा निकलेंगे आगे तरफ और सीधा निकलेंगे।